तो अभी जो मैं चाय पीने वाला हूँ ना, उसकी कीमत 1,15,000 रुपये की है। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक टी स्टेट के अंदर रुकने वाला हूँ एंड मैं पहुँच चुका था रात को। अंधेरा वंधेरा होने के कारण मैं शायद आप लोगों को ढंग से दिखा नहीं पाया था। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरे टी प्लांटेशन है और राइट नाउ आई एम इन मनोहरी टी स्टेट। अभी मंजीत भाई बता रहे हैं कि मनोहरी टी स्टेट की इसी साल जो सबसे हाईएस्ट बिड वाली टी गई है, दैट इज़ गोल्डन टी, गोल्ड टी, और उस चाय का प्राइस था 1,15,000 रुपये पर केजी। और इसका प्लांट भी अलग होता है या प्लांट सेम होता है? उसका प्लांटेशन अलग होता है, उसका प्लागिंग अलग होता है, उसका लेबर मतलब पूरा अलग होता है। उसका नॉर्मल प्लागिंग नहीं होता, उसका अर्ली मॉर्निंग प्लाग किया जाता है बिफोर सनराइज। उसका प्रोसेसिंग भी अलग होता है। ये भी सिस्टम होता है क्या? उसका प्रोसेसिंग अलग। तो अगर मान लो मैं सनराइज के बाद उसको प्लग करता हूं तो खराब हो जाएगा, वो गोल्ड टी नहीं बनेगा फिर। भाई मेरे सामने अब टोटल 4 चाय हैं और मंजीत भाई आके मुझे समझाएंगे कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। मंजीत भाई प्लीज हेल्प करिए यार। तो ये वाली है ग्रीन टी, ये वाला हो गया ग्रीन टी। आपको लिप्स फॉर्म में ये देखेगा, कट नहीं है पूरा, ये ग्रीन टी। ग्रीन टी नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं वो हनी, ये हनी है शायद के साथ लेते हैं, ठीक है। और ये लेमन, लेमन भी आप ले सकते हैं। तो ये जो सिटी सी है, ये हम लोग सिटी सी के बीच में हम लोग ये पत्ता दिख रहा है, पत्ता के दाना दिख रहा है, ये दाना जो है उसको सिटी सी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपका ऑर्थोडॉक्स है, इसको मिक्सिंग किया गया है। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स में भी पूरी लीव लीव होता है ये कट पूरा। और ये जो ये है ये पूरी एक लीव ही है ना, ये ड्राई होके इतना बढ़ जाता है? हाँ, ड्राई होके ये थोड़ा आपका सिकुड़ गया है मतलब। अच्छा। फिर ये ऑर्थोडॉक्स है। ये वाला चाय हम लोग दूध के साथ ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये वाला आप लिकर भी ले सकते हैं। और ये वाला ऑर्थोडॉक्स है आपका जो लीव टी है। ऑर्थोडॉक्स के बाद हम लोग ये व्हाइट टी सर कलर में से आपका आपको दिखेगा कि इसका जो वैल्यू है उसके हिसाब से आपका टी का वैल्यू आपका जो व्हाइट टी में है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। जैसे गोल्ड टी है ये आपका एक कप में आपका कम से कम 10-12 पत्ती डालने से ये एक कप में हो जाएगा। और गोल्ड टी में? गोल्ड टी में आपको जैसे 5 ग्राम गोल्ड टी आप एक कप में पी नहीं सकते, इतना स्ट्रांग होगा ये। इतना कप आप पी नहीं सकते पूरा गोल्ड टी, इतना स्ट्रांग होता है वो। अच्छा, तो ये देख लीजिए, ये हो गई व्हाइट टी। व्हाइट टी का कलर आप देखिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो दिखेगा, लेकिन व्हाइट टी का जो है ना फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को काफ़ी सही लगा। तो अब मैं भाई यहाँ की जो ग्रीन टी है वो ट्राई करने वाला हूँ। ग्रीन टी सच में ग्रीन टी है, कैसे पीते हैं लोग जो भी हेल्दी चीज़ होती है वो अच्छी नहीं लगती है ना बॉडी को। सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका। ये ग्रीन टी होगी। अब दूसरी है ये सी टी सी बोले तो जो अपनी नॉर्मल चाय होती है एकदम काली चाय, इसके अंदर आप दूध मिला के भी पी सकते हो। मुझे लग रहा है मैं भी आज टी एक्सपर्ट बन जाऊँगा। और ये मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑर्थोडॉक्स। चलो यार एक बार हम नीचे जाके आते हैं, मंजीत भाई हमें दिखाएंगे कि कैसे चाय तोड़ी जाती है और वो सारा का सारा प्रोसेस। नॉर्मली देखिए हम लोग प्लाक करते हैं ये वाला पोर्शन जो होता है हम लोग का जो स्टैंडर्ड होता है ये वाला। अच्छा, ये वाला ये आपकी कली हो गई? हाँ, ये नया पत्ता आने वाला है। नया पत्ता आने वाला है जो हम लोग टिप बोलते हैं ना, ये टिप से हम लोग गोल्डन टिप्स एंड सिल्वर टिप्स वाला ये चीज से बनता है। अच्छा, ये वाला खाली ये वाली गोल्डन चाय बनेगी? गोल्डन चाय बनेगा तो इसको तोड़ने में ये बिफोर सनराइज, ये अभी सन होगा तो ये गोल्डन टी नहीं बनेगा। गोल्ड टी बनेगा तो इसको बिफोर सनराइज ये प्लग किया जाएगा, उससे नेल से निकाला जाता है वो भी लेडीज, या उसका नेल थोड़ा लंबा रहेगा, हाइजीन होना चाहिए और केप वगैरह पहनकर ये पूरा नेल से तोड़ेगा ये चीज। और इसी से नाजुक था ये तो। इसको खा सकता हूँ क्या मैं? हाँ खा सकते हैं इसको। और इसको कितना मतलब तोड़ने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हैं? कड़वा यार, और इसीलिए ये चाय गोल्ड टी बहुत कड़वा होता है ताकि फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये जो टी है हम सिटी से या तो ऑर्थोडॉक्स में प्रोसेस कर सकते हैं ये बाकी चीज। अच्छा, इस वाले को? हाँ, तो फिर ये मान लो जब ये बड़ा होगा तो ये वेस्टेज है? हाँ, वेस्टेज है, ये काम का नहीं है। कुछ भी काम का नहीं है? काम का नहीं है। और ये सारा का सारा प्रोसेस ब्रिटिश टाइम से चलता हुआ आ रहा है। टी प्लांट से इनकी देख रेख के लिए जो लेबर फोर्स है वो आदमी संभालते हैं, और चाय के जो पत्ते तोड़ने वाला काम है वो सारी की सारी लेडीज संभालती हैं। और अब मंजीत भाई मुझे यहाँ की जो टी फैक्ट्री है वो घुमाने ले जा रहे हैं। पहुंच गए भाई टी फैक्ट्री में। तो भाई मनोहरी टी स्टेट की जो टी फैक्ट्री वहाँ पे हम पहुंच गए हैं,
और यहाँ पे फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं वो अमित भाई। हेलो अमित भाई। हेलो, कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कौन सा? दरभंगा। दरभंगा से? अरे अपने बिहारी बाबू अपने साथ। और अमित भाई यहाँ के फैक्ट्री मैनेजर हैं, जो हमें फैक्ट्री के बारे में बताएंगे। फैक्ट्री अभी प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो अगले महीने से स्टार्ट होगा। जैसे गार्डन से पत्ती तोड़ के एक वो बास्केट होती है, उसके अंदर डालते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ वजन होता है। हाँ। वजन होने के बाद इस ट्रप में डालते हैं, इसको विदरिंग ट्रप बोला जाता है। मतलब इसमें पत्ती को जो इनिशियल मॉइस्चर है नियर अबाउट 78-80%, अभी जैसे है 80% के आसपास जो पानी होता है, सॉलिड कंटेंट जो है 20% ही होगा फर्स्ट प्लस का जब पत्ती आएगी शुरू की, तो उसको इसमें डालते हैं। इसमें अप टू 70% उसकी मॉइस्चर परसेंट 68-70% उसका जो मॉइस्चर कंटेंट रह जाए उतना तक विदरिंग करते हैं यहाँ। इसके बाद जब विदर्ड हो जाएगी पत्ती, विदर्ड होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, बास्केट में उठाए फिर ये लेकर, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ से आने के बाद ये है सीटीसी। हाँ, यदि हम सीटीसी चाय बनाते हैं तो इसमें मतलब कटिंग होती है, इसमें जो दाना आपके घर में जाते हैं वो दाना के शेप यहीं पड़ना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन, उसमें जो वो उसमें मिस्ट एयर से फर्मेंटेशन होती है। अच्छा, ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है कटिंग के लिए, और ये वाली मशीन ये हो गई रोल के लिए, पत्ती रोल। हर चाय रोल होती है? नहीं, सिर्फ ऑर्थोडॉक्स। अच्छा, ये देखिए भाई ये चाय को कट करता है। अरे ये ब्लेड है यार, ये तो ये छोटे छोटे बारीक काट देते हैं भाई, खतरनाक एकदम पतली पतली ब्लेड है ये। रोलर टाइप है, रोलर के ऊपर छोटी छोटी ब्लेड बनी हुई है। यहाँ नेक्स्ट फर्मेंटेशन होते हैं, जो मैं फर्मेंटेशन की बात बोल रहे थे। अच्छा, सीटीसी का फर्मेंटेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद ये कन्वेयर से आगे आ जाएगी। अगर ये कन्वेयर से आगे आ गई फिर यहाँ पे क्या करते हैं आप? इसके बाद ये इसमें जाकर इसमें ड्राइंग होती है, इसमें नीचे से हीट से ड्राई होती है ना? हीट से ड्राई होगी, मतलब पूरा डायरेक्ट हीट नहीं है, वो हवा को गर्म करके इनडायरेक्ट फायर होती है। ये मेरा सॉर्टिंग है, जब चाय बन जाएगी तो आपके घर में जो जाता है उसमें छोटे दाना बड़े दाना मतलब सेग्रीगेट होकर रहता है। अच्छा, उसमें मिक्स नहीं रहता है। हम जो चाय बनाएंगे वो मिक्स आती है, मिक्स होगी। मैं कटिंग करूंगा तो एक ही टाइप का दाना तो नहीं बनेंगे, कोई छोटे बड़े बड़े। यहाँ हम उसका सॉर्टिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड करते हैं। ये सब होने के बाद यहाँ से माल बाहर चला जाता है, यहाँ से फिर डिस्पैच होता है। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, चाय सुखाने की भट्टी है, बर्नर्स हैं, इनके अंदर हवा का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, उसमें अपनी चाय ड्राई होती है। ये जितना भी आप सेक्शन देख रहे हो पीछे वाला, ये सारा का सारा ड्राइंग सेक्शन है। अभी आप अमित भाई की यूनिफॉर्म नोटिस करिए, मुझे लग रहा था अभी अमित भाई कैजुअल ही है, लेकिन ये अमित भाई की यूनिफॉर्म है। और ये जो यूनिफॉर्म आप देख रहे हो, ऊपर पोलो टी शर्ट और नीचे हाफ पैंट, ये ब्रिटिश टाइम से चलती हुई आ रही है। और ये गोल्ड टी है जो अमित भाई मुझे टेस्ट करा रहे हैं यहाँ की गोल्ड टी, जो मनोहरी स्पेशल है। तो अभी जो मैं चाय पीने वाला हूँ ना, उसकी कीमत 1,15,000 रुपए केजी। अरे हाँ, इसी चीज को मैं मिस कर रहा था। अब यहाँ पे कम भी 8 टाइप की चाय है। तो यहाँ पे ये गोल्ड टी जो यहाँ की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चाय है, 1,15,000 रुपए किलो भाई। तो जो अभी यहाँ पे मेरे लिए स्पेशली जो गोल्ड टी बन रही है, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल टाइमर लगाया गया है, क्योंकि गोल्ड टी के जो फ्लेवर्स हैं पानी में ऐड होने में थोड़ा टाइम लगता है। इधर पानी के अंदर उस चाय को डाल दिया है, लगभग जैसे ही ये सारी की सारी मिट्टी यहाँ पे पहुँच जाएगी उसके बाद मैं उस चाय को टेस्ट कर पाऊँगा। हाँ जी भाई, तो ये गोल्ड टी तैयार है। अलग टाइप का टेस्ट है, अलग टाइप का एरोमा है, आप मतलब एक कप पी नहीं सकते इतनी इसकी एरोमा। बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। ओके अमित भाई, थैंक यू यार, मिलते हैं। और अब वापस है मंजीत भाई के पीछे मैं बैठने वाला हूँ थोड़ा। अभी जस्ट यहाँ के मैंने ब्रेकफास्ट पूरा किया, और मैं और मंजीत भाई अभी यहाँ पे पास में ही ब्रह्मपुत्र है, उधर ब्रह्मपुत्र के जो किनारा है उधर जा रहे हैं। चल रहे हैं ना आप भी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो विक्की भाई? ये है पीछे जो आप देख रहे हैं विक्की भाई, ये सब बगानिया लोग हैं। ये चाय तोड़ के ला रहे हैं अभी? बगान का काम करके आ रहे हैं। ये देखिए आप, इधर जो लेडीज हैं वो टी प्लग कर रही हैं टी प्लांटेशन में। ये देखिए पतला पतला एकदम।
इस गाड़ी के ऊपर बैठ के यहाँ के जो टी गार्डन एक्सप्लोर करने में मजा है ना, खतरनाक। सुबह सुबह मैं आपको बता रहा था ना कि चाय तोड़ने वाले जो मैन फोर्स मिलेगी आपको, ज़्यादा विमेन की है। और अभी हम उसी एक चाय बागान में उस प्रोसेस को देखने आ गए हैं। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? हम लोग 7 बजे से लेके 4 बजे। 7 से 4 बजे तक हो जाओ बोले। आप कौन सा तोड़ते हैं? ये वाला नहीं, ऐसे तोड़ते, देखिए ऐसे तोड़ते, इसको ऐसे तोड़ते। कौन से वाले को? ये वाला ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ते हैं, इसको मोड़ ऐसे घुमा देते हैं। अच्छा, ऐसे घुमा देता है। ये देखिए, तोड़ के फिर इधर पीछे में डालते हैं, कोई टुकड़े में भी डालते हैं ये। अच्छा, तो अभी जब आप ये लेके जाएंगे तो इसको फिर वो अलग करके देखेगा ना? हाँ, बचेगा, लेटर पता है ऐसा एक दूटा। अच्छा, निकला देगा, लंबा बेसी होने से भी निकला देगा। अच्छा, तो सब छोटा 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 कली तोड़ना पड़ता है। चाय तोड़ने का एक्सपीरियंस ज़्यादातर ये बगानिया कम्युनिटी को ही है ना? हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कोई दूसरा कल्चर का नहीं है, सारा टी स्टेट, मतलब टी ट्राइब है, टी ट्राइब है, सारा टी ट्राइब है। धन्यवाद अम्मा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत। ठीक है ना? हाँ, एकदम बढ़िया। हाँ, बढ़िया। अच्छा, आप सरदार हैं यहाँ पे? हाँ। कैसे हो दादा? ठीक है। क्या नाम आपका? बादल। ये वाला बादल? हाँ, वो वाला बादल, ऊपर वाला बादल। अच्छा, सरदार का काम क्या होता है? काम होता है इन लोग का जो ठेकेदार का ऊपर। हाँ, इसका ऊपर ये सुपरवाइजर है, काइंड ऑफ ठेकेदार मान लीजिए। तो ठेकेदार है, सुपरवाइजर है आप? सुपरवाइजर है। तो आपके नीचे कितना लोग है यहाँ? 120 है। 120 सभी लेडीज हैं? सब लेडीज है। और ये जो बैम्बू हाथ में, ये लेवलिंग करने के लिए? अच्छा, ऐसे ही काम करते हैं। थैंक यू आंटी, धन्यवाद। अंजीत भाई बता रहे हैं, जो अभी साइड में आपने टी प्लांटेशन देखी है जो बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे पौधे ब्रिटिश टाइम के हैं, आज से लगभग 80-90 साल पुराने। ये देखिए, जो ये टी स्टेट है ना, उसका हॉस्पिटल है इधर, और टी स्टेट का इधर एटीएम भी है, टी स्टेट का इधर आधार सेवा के अंदर मोबाइल भी बना हुआ है। काफ़ी सही सिस्टम है यार, मतलब यहाँ पे जो काम करता है उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक मिनी टाउन बसी हुई है। मंजीत भाई बता रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन यहाँ पे, जैसे वो अपने वीकली मार्केट नहीं होते हैं, वो भी बैठते हैं जिसमें सब्जी और कपड़ा, सब्जी कपड़ा वो सब आता है, और लेबर के लिए यहाँ पे लेबर क्वार्टर्स भी हैं, सब कुछ। वापस से जो टी बंगलो और जो रिजोर्ट है वो पहुँच चुके हैं। ये जो बिल्डिंग है, ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है। नो जिस यहाँ पे आप असम के अंदर या फिर दार्जिलिंग के अंदर जितनी भी टी स्टेट्स के अंदर आप विजिट करोगे, आपको स्ट्रक्चर इसी टाइप के मिलेंगे, और ये सारी की सारी बिल्डिंग ब्रिटिश टाइम की हैं। इनको बोलते थे टी बंगलोज। टी बंगलोज बोले तो जो टी एस्टेट होती है, जो टी गार्डन उसका मैनेजर होता है, उस मैनेजर के लिए एक स्पेशली इस टाइप की बिल्डिंग होती थी। वेलकम, एक्चुअली वेलकम पहले करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, ये कमुशा और आपके लिए कुछ टी। थैंक यू यार भाई, मेरी तरफ से। थैंक यू मनोहर की टीम की तरफ से। काफ़ी अच्छा लगा यार यहाँ पे आके। ये है इस टी बंगलो का लिविंग रूम, और यहाँ पे 3 रूम है, 503 इनके सामने वाला, और भाई साहब ये है मेरा विला। ये जो अभी मुझे चाय मिली थी रूम के अंदर भी है ना, ये यहाँ की लोकल ही चाय है जो इस टी स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होती है। अरे फ्रिज भी है एक, ये देखा ही नहीं था मैंने ढंग से। इधर मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, और ये है यहाँ का वॉशरूम। इस रूम के लिए आई एम पेइंग 6,000 रुपीज पर नाइट। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ी यूनिक है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मनोहर टी रिजोर्ट है, उन्होंने बस मुझे फ्रीडम दे दी थी कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता हूँ, तो बिग थैंक्स टू देम।
तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।